तो गाइज स्पेस है आप लोग के सामने ऑल न्यू हुंडई वेन्यू। अगर गाइज आप हुंडई की कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो ये है JMV हुंडई, और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, और इसकी जो लोकेशन है वो है भिवाड़ी में, आसपास के एरिया में। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे जल्दी गाड़ी परचेज करनी है और स्टॉक में, मतलब इनके पास ना ऐसा रहता है कि काफ़ी स्टॉक अवेलेबल रहता है, तो इनकी कोशिश रहती है कि गाड़ी जल्द से जल्द आप लोग को अवेलेबल हो जाए और वो भी अच्छे प्राइस पॉइंट पर। तो गाइज इस हुंडई के वेन्यू के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर कंपनी ने ES, S+ या फिर S ऑप्शनल और SX और SX ऑप्शनल ये सारे वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। ये जो आप पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो ये इसका SX वेरिएंट है, और कलर ऑप्शन भी काफ़ी इनके अंदर आप लोग को मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन के साथ भी आप लोग को ये गाड़ी मिल जाती है, जिसका ड्यूअल टोन आएगा वो सिर्फ रेड कलर में ही अवेलेबल होगा, बाकी आप लोग को वाइट, सिल्वर, रेड, ब्लू, ग्रे ये सारे कलर ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। ये SX वेरिएंट है 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इसके अंदर तीन इंजन ऑप्शन आप लोग को मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। एक तो आता है इसका 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, एक आएगा इसके अंदर 1 लीटर का टर्बो इंजन, एक आएगा इसका 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही अवेलेबल होंगे। तो भाई काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा होगा, इतने सारे इंजन ऑप्शन है इसके अंदर। तो इसका रिव्यू ना इसके की फोब से स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की जो है इस गाड़ी में मिलती है, लॉक अनलॉक और इसकी टेल गेट को ओपन करने के लिए। कीलेस एंट्री भी जो है गाड़ी में मिल जाती है, पुश बटन पावर स्टार्ट भी जो है गाड़ी में मिल जाता है, और इसके अंदर वेलकम फीचर भी जो है वो मिल जाता है। वेलकम फीचर कैसे काम करेगा, जैसे आप गाड़ी को अप्रोच करोगे ना तो जो इसके ORVM है वो टोपन हो जाते हैं, और जो गाड़ी की हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। LED में DRLs भी जो हैं गाड़ी में अवेलेबल हो जाते हैं, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आप लोग को हेलोजन बल्ब के साथ में ही अवेलेबल होते हैं। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई जो फॉग लाइट्स है वो गाड़ी में अवेलेबल होगी। गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है और फ्रंट प्रोफाइल जो है उसके अंदर कंपनी ने मेजर चेंज किया है, बाकी जो गाड़ी की लेंथ है, विड्थ है या फिर जो व्हील बेस है उसके अंदर कंपनी ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। बट जो गाड़ी की हाइट है पुरानी हुंडई वेन्यू 27 mm ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो हेडरूम है वो भी आप लोग को अंदर दिखाऊंगा कि हेडरूम भी जो है इस गाड़ी का बढ़ चुका है, और जो कंफर्ट है वो भी भाई गाड़ी में इंक्रीज हो चुका है। जो गाड़ी के ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल डिटेक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं, और LED इंडिकेटर्स भी जो हैं इनके ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे मेटल के साथ में, इसकी जो है रूफ रेल्स मिल जाएगी स्पोर्टी डिज़ाइन में, शार्क फिन का एंटीना मिल जाएगा, और सनरूफ भी जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। 45 लीटर की गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल होती है, और ये ना ऐसे बाहर से नहीं खुलती है, अंदर ही जो इसके अंदर लीवर प्रोवाइड है उसी से ही जो है ये इसके जो फ्यूल लिड है उसको ओपन कर सकते हैं। गाड़ी में क्या है सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ गाड़ी में ड्रम ब्रेक ही है अवेलेबल होते हैं। अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो 195/65 R15 के जो है इस गाड़ी में आप लोग को टायर सेक्शन मिलेंगे, और स्टील रिम ही मिलते हैं, व्हील कवर्स जो है इनके ऊपर में अवेलेबल हो जाता है। गाड़ी में बैक प्रोफाइल देखोगे तो भाई बैक प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना रखी है। जो इसकी टेल लाइट आप देख रहे हो ना ये नई आई है, कनेक्टिंग है ये पूरी, मतलब पूरी इधर से इधर तक ग्लो करती है, और ये LED टेल लाइट मिलती है इसमें ना। नीचे वाले वेरिएंट में क्या आता है उनमें आप लोग को हेलोजन के साथ में टेल लाइट मिलती है, तो उसमें ना कनेक्टिंग नहीं आते, उसमें सिर्फ डम्मी आता है, बट इसमें क्या है पूरी LED दे रखी है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा तगड़ी सी लगती है। पीछे सिर्फ डिफोगर ही अवेलेबल होगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, स्पॉइलर नहीं मिलेगा। वेन्यू की बैजिंग स्पेस दे रखी है जो कि बहुत तगड़ी सी लग रही है। गाड़ी में क्या है सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और कैमरा भी मिल जाता है इसके अंदर जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। बम्पर भी जो है रीचेंजेबल, बता रहा हूँ ना पीछे की आगे से और पीछे से गाड़ी कम्प्लीटली चेंज है। पीछे की लुक जो भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगने वाली है। 60-40 स्प्लिट सीटें मिल जाएगी, पार्सल ट्रे मिल जाएगी, हेलोजन के साथ में इसका बूट लैम्प मिल जाएगा, और जो लोडिंग लिप है वो भी गाड़ी में कोई इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो यूँ है अपना सामान वगैरह गाड़ी के अंदर बिल्कुल मतलब उतारना और रखना काफ़ी आसान रहेगा, और बूट स्पेस भी गाड़ी में अच्छा खासा दे रखा है। जो स्पेयर व्हील है सेम सेक्शन का ही मिलता है, 195/65 R15 का स्टील रिम ही जो है ये अवेलेबल होता है। इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें जो SX वेरिएंट है इसमें बताता हूँ क्या चीज़ें मिल जाती हैं। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर आता है, डी कट स्टेयरिंग बोल लो या फिर फ्लैट बॉटम बोल लो, सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ ही स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, और ये लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है, और स्टिचिंग भी ना थोड़े से व्हाइट से कलर में कर रखी है, बहुत बढ़िया से लग रही है देखने में। ऑटो हेडलैम्प्स इसके अंदर मिल जाते हैं बट ऑटो वाइपर नहीं मिलते हैं। फुली डिजिटल इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जैसे जो बीच वाला पार्ट है ना वो तो फुली मतलब जैसे आपको पूरा दिखाएगा गाड़ी पूरी छपी हुई है, बट ये मोनो कलर दिया गया है,
कलरफुल इसके अंदर नहीं है ये, और स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों चीज़ें इसके अंदर डिजिटली शो करता है। और जैसे इसके कंट्रोल्स देखोगे तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शो करता है, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है। 8 इंच की इसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है जो कि आपकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी। और ये ना नई है टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है पुरानी उससे कंपेयर करोगे तो, और जिसका रिस्पॉन्स ना काफ़ी फ्लूइड है, बहुत मतलब बहुत रिस्पॉन्सिव सी है। हुंडई की क्या है, कोई सी भी गाड़ी में देख लो इनकी टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया सा है। डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है ओवरऑल सेम है पुरानी हुंडई वेन्यू से, बट जो कलर थीम है वो चेंज है। तो इससे क्या है, थोड़ा कैबिन क्या है थोड़ा एरी से महसूस हो रहा है, तो खुला से महसूस हो रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएंगे, और एक सी टाइप सॉकेट दे रखा है फास्ट चार्जिंग के लिए, एक यूएसबी म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होने वाली, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर मिल जाएगा, 5 स्पीड गियरबॉक्स आएगा आपका जो है 1.2 लीटर के इंजन के साथ में, और 2 ग्लास होल्डर इधर में दिए गए हैं। आर्मरेस्ट इसका फिक्स ही मिलता है, स्लाइडिंग नहीं आता है, बट जो स्पेसिंग है बिल्कुल ओके दे रखी है भाई इसके अंदर। हर एक जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो ग्लोव बॉक्स है कूलिंग फंक्शन के साथ है। IRVM जो है आपके मैनुअल डे नाइट है, इसके ऊपर 3 स्विच दे रखे हैं, SOS का, टोइंग का और ब्लू लिंक का। सनरूफ की ओपनिंग भाई बिल्कुल ठीक है, गाड़ी के हिसाब से देखा जाए ना ठीक लगेगी आप लोग को। इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों में मतलब इतने ही साइज़ की जो है सनरूफ आती है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर अवेलेबल हो जाता है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी जो है आप लोग को इस गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। अगर कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट में एक ही गाड़ी का बताऊंगा भाई कैसा क्या कंफर्ट मिलता है। एक सीट को पहले पूरा ऊपर कर लेते हैं, तो भाई पूरी ऊपर होने के बाद तो हेडरूम थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा नीचे रहेगा ना, तो यूँ है भाई काफ़ी कमांडिंग सी पोजीशन आ रही है। गाड़ी को चलाने में एक नंबर का मजा आएगा, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके से में भी इस गाड़ी को चलाओगे ना तो मनूवर करना काफ़ी आसान रहता है। बोनेट है भाई आपका, दिखता है साइड विंडो, साइड व्यू है, ORVM वगैरह से बिल्कुल ठीक व्यू आ जाता है। सीटों की चौड़ाई और जो बकेट फिटिंग है ना वो तो भाई इसके अंदर नेक्स्ट लेवल दे रखी, बहुत तगड़ी सी बकेट फिटिंग है। तो हाई स्पीड में जैसे टर्न करोगे गाड़ी को तब काफ़ी कंफर्टेबली जो है गाड़ी को ड्राइव कर पाओगे। इस साइड में दे रखा है इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए लाइट लेवलिंग के लिए दे रखा है। 4 पावर विंडो की स्विचेज इसके डोर पैड पे हैं, एंड जो ORVM के फोल्ड एंड अनफोल्ड के एंड एडजस्टमेंट कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं। सनरूफ के कंट्रोल यहाँ पे हैं। रीडिंग लैंप्स इसकी हैलोजन बल्ब के साथ में अवेलेबल होती है। फर्स्ट रो में आप लोगों को क्या है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और ये फैब्रिक के सीट्स कवर्स जो है इस गाड़ी में अवेलेबल होती है। सेकंड रो में आप लोगों को कह जाएगा, वो फर्स्ट रो की जो सीट थी ना मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, और भाई कंपनी ने क्या कर रखा है ना इसकी सीट को भी जो है रीडिजाइन कर रखा है। अंडर थाई स्पोर्ट बहुत मस्त सा हो गया भाई अब इसमें, और जो नी रूम लेग रूम है वो भी बहुत तगड़ा से दे रखा है। और जो इसकी सीट्स है ना उनको आप 2 वे में एडजस्ट कर सकते हो, एक तो ये वे है इनका रेक्लाइनिंग एंगल जो है, और एक ये बिल्कुल मैक्स रेक्लाइनिंग एंगल पोजीशन है। मैक्स रेक्लाइनिंग एंगल पोजीशन होने के बाद तो भाई यूँ है बहुत बढ़िया सा जो है इसके अंदर रेक्लाइनिंग एंगल हो गया। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह बहुत मस्त सी मिल रखी है इसके अंदर। 2 3-पॉइंट सीट बेल्ट है, 1 2-पॉइंट सीट बेल्ट है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच की तरफ में हैलोजन के साथ में रीडिंग लैंप है, यहाँ पे एयर के वेंट्स हैं, 2 सी टाइप सॉकेट दे रखी है, आर्मरेस्ट भी मिल जाता है इसके अंदर, और फ्लोर ऐसा है कि थोड़ा सा उठा हुआ है, बट यूँ है बीच वाला जो बंदा बैठेगा तो वो ठीक है बैठ सकते हैं, थोड़ा सा तो उसके लिए भाई ये रहेगा कि हाँ थोड़ा सा हार्डर है, बट यूँ है कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं 3 बंदे अगर बैठना चाहे ना, थोड़े से तो भाई उनके शोल्डर्स टच होने वाले हैं, बाकी यूँ है बैठ के जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। और जो गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मिलती है वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड ही अवेलेबल होती है, पैसेंजर साइड में वो नहीं आती है। अब इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर लगा हुआ है 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, जो कि 83 पीएस ऑफ पावर एंड 115 एनएम का टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है। ये देख लो भाई कोई इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं है, फिर भी जो इंजन नॉइस है कैबिन के अंदर कम आएगी, क्योंकि हुंडई का इंजन तो आप लोगों को पता है काफ़ी साइलेंट एंड काफ़ी रिफाइन है। वाइब्रेशन वगैरह भाई काफ़ी कम आती है, और माइलेज वगैरह भाई ठीक देती है। तो अगर गाइज हुंडई की कोई आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, इनसे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। JMV हुंडई है भिवाड़ी में, आसपास के एरिया में जो भी गाड़ी परचेज करना चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखे हैं। अगर फिर भी आप लोग को इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, फिर सोशल मीडिया के लिंक्स जो है मैंने दे रखे हैं वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ वीडियो कहीं पॉइंट करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच।